हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ चारोटी महाराष्ट्र के महालक्ष्मी मंदिर में, जो कि मेरे घर से अप्रोक्सीमेट 80-90 किलोमीटर अवे है। तो चलिए जल्दी से सफ़र शुरू करते हैं महालक्ष्मी मंदिर तक का। आप बने रहिए मेरे चैनल में आगे देखने के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं महालक्ष्मी माता के मंदिर के पार्किंग में, जो कि चारोटी महाराष्ट्र में है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। और यहां के लोकल्स जो है, पार्किंग लॉट है, ये पार्किंग लॉट है पूरा का पूरा। और यहां के लोकल्स जो है वो ऐसी स्लिप्स भी देते हैं पार्किंग की, तो आपको इसे लेना ही होगा, और नहीं लेंगे तो आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो ऐसी पार्किंग स्लिप ले लीजिएगा, 40 रुपीज़ पर कार का पार्किंग है यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं जल्दी से मंदिर के अंदर, आपको दिखाता हूँ कि मंदिर कैसा है और क्या है। तो चले जल्दी से चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर के ऊपर जाने का कुछ ऐसा रास्ता है, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे शायद, तो वहां पे जो माउंटेन के ऊपर टोच आपको दिख रही है, उधर भी एक मंदिर है, और वहाँ पे सिर्फ एक पंडित ही जाता है पूजा करने के लिए, और कोई ऊपर तक नहीं जा पाता है। तो जब भी यहाँ पे नवरात्रा होता है, तभी यहाँ पे पूरा का पूरा ये एरिया मेले से भर जाता है, पूरा एरिया में मेला लगा रहता है, और बहुत भीड़ होती है इस जगह पे। तो कभी आप इस तरफ चारोटी तरफ आओ तो ये मंदिर में ज़रूर आना। तो कुछ इस तरह से पूरी मार्केट लगी रहती है, और इसी मार्केट से होते हुए जाना होगा मंदिर की तरफ। अगर आप यहाँ पे भीड़ के टाइम आएंगे तो यहाँ पे आपका रेस्ट करने के लिए भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो आराम से जितनी देर चाहे। और अब आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के कंपाउंड के अंदर भी काफ़ी सारे मार्केट्स लगे हुए हैं। तो ये है मंदिर की मेन एंट्रेंस की मार्केट, यहाँ पे कुछ इस तरह की मार्केट्स आपको दिखेंगी। मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है उसके पास ही में ये जनाब हमारा टेम्परेचर टेस्ट करेंगे अभी, और टेम्परेचर पास होते ही हम अंदर जाएंगे। और अंदर जाते ही अगर आप भीड़ के टाइम यहाँ पे आओगे तो ये राइट साइड में जो रेलिंग्स दिख रही है, आपको यहाँ से पूरा घूम के होते हुए वापस आना पड़ेगा। पूरा का पूरा ये रेलिंग्स जो है पूरा ऐसे घूम के इस तरफ अंदर की तरफ एंटर होना होगा, और पूरा एंटर होने के बाद आप कुछ यहाँ से एग्जैक्टली आप अंदर जाओगे। और ये आ गए हम मंदिर के सामने एग्जैक्टली। तो अभी हम यहाँ पे अपने शूज़ निकाल देंगे मंदिर के अंदर जाने से पहले। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस मेन, और कुछ इस तरह का मंदिर आपको सामने देखने मिलेगा। और आज जो वैसे संडे है इसलिए भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, वैसे अभी कोरोना के पैंडेमिक में जो संडे पहले जाते थे पूरे के पूरे खाली होते थे, लेकिन आज थोड़ा भीड़ ज़्यादा है क्योंकि पैंडेमिक थोड़ा कम हो गया है, और लोग इस तरह यहाँ पे माता जी की भक्ति कर रहे हैं। और ये सामने मंदिर, और मंदिर के अंदर हम लोग कैमरा नहीं ले जा सकते, सॉरी दोस्तों, मैं अंदर का आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो फिर मैं अंदर दर्शन करके आपको बाहर से वापस एक व्यू देता हूँ इसका मंदिर का। तो मिलते हैं दोस्तों दर्शन के बाद। तो ये मंदिर है दोस्तों, आप देख सकते हो।
वीडियो में पता नहीं आप अच्छे से देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मैंने सेंटर से एक फ़ोटो खींचा हुआ है। वो सेंटर वाला फ़ोटो मैं आपको एक पोस्ट कर दूंगा साथ ही में, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि सेंटर से मंदिर कैसा दिखता है। वो ये जो माता जी की मूर्ति है एग्जैक्टली मेन मंदिर के सामने ही रखी है, और इस तरह से आपको जो है बीए के स्टैंड्स दिखेंगे मंदिर के एग्जैक्टली सामने, और इसके पीछे की तरफ है एग्जैक्टली मंदिर। अब यहाँ से ये रास्ता है एग्जिट का, तो ये वही जगह है जो हमने शूज रिमूव किए थे, तो यहाँ से अभी एग्जिट है। स्ट्रेट जाएंगे तो स्ट्रेट जाते ही आपको एग्जिट देखने मिलेगा। तो ये है मंदिर से एग्जिट का वे, तो अभी हम मंदिर से निकलेंगे बाहर, और जिस मार्केट से होते हुए हमने एंट्री की थी एग्जैक्टली उसी मार्केट से हम एग्जिट भी करेंगे। तो ये आ चुका है मार्केट जो कि मंदिर के पास था, तो यहीं से हम लोग एग्जिट भी करेंगे। और यहाँ पे एक ओपन ग्राउंड कंपाउंड है, आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। पूरा का पूरा कंपाउंड है, और बाहर भी थोड़ी मार्केट से, और यहाँ से आप NH हाईवे 48 देख सकते हो जो कि करंटली रनिंग है अभी। एग्जैक्टली हाईवे के पास ही ये मंदिर है चारोटी में माँ लक्ष्मी माता जी का। और आपको चलते हुए जो एग्ज़िट करना हो तो एग्जैक्टली यहाँ से उतर के आप एग्ज़िट कर सकते हो, यहाँ से उतर के पेड़ के पीछे से आप रास्ते में चल के एग्ज़िट कर सकते हो डायरेक्ट बाहर की तरफ। तो हमें जाना है इस तरफ हमारी कार पार्क है, तो अभी हम कार के पास जाएंगे। तो ये था दोस्तों महालक्ष्मी माता जी का मंदिर जो कि चारोटी महाराष्ट्र में बेस है, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे शायद मेरे एग्जैक्टली पीछे की तरफ नेशनल हाईवे नंबर 48 है, तो हाईवे के एग्जैक्टली पास में ही जो है मंदिर है। तो आप कभी भी इस तरफ जा रहे होंगे या फिर हाईवे से जा रहे होंगे तो 10-15 मिनट निकल के ये मंदिर के दर्शन ज़रूर करने आना, बहुत ही अच्छा मंदिर है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।